दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो AIB 18 की अभी परीक्षा कंडक्ट कराई थी उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद कुछ कैंडिडेट्स के चेहरे पर खुशी है तो कुछ कैंडिडेट्स के चेहरे पर उदासी है। दोस्तों, मैं उन सभी कैंडिडेट्स को बधाई देना चाहूंगा जिनका रिजल्ट पॉजिटिव में आया है, जो रिजल्ट पास कर गए हैं, और जो कैंडिडेट्स फेल हो गए हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, उन सभी के लिए मैं सॉल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, लीगल टेंक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बैक टू द टॉपिक चलते हैं, बैक टू द वीडियो चलते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा हाल ही में अपनी जो है रिवाइज्ड आंसर की रिलीज की थी। 2 या 3 दिन पहले ही रिवाइज्ड आंसर की रिलीज की थी। मैंने कैंडिडेट्स को बता दिया था, मैंने वीडियो बनाई थी पहले, एक रिवाइज्ड आंसर की रिलीज करने के बाद एक वीडियो बनाई थी जिसमें बता दिया था क्लियर ही कि देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा अब जो रिवाइज्ड आंसर की जो रिलीज कर दी गई है, इसके कुछ समय बाद ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 18 टाइम्स का रिजल्ट है वो डिक्लियर कर देगी। चूंकि देखिए, उसका एक कारण है, जो OMR सीट जो होती है वो चेक होती है मशीन द्वारा। ये मैं पिछली वीडियो में भी बताया था कि OMR सीट जो चेक होती है वो मशीन द्वारा चेक होती है, उसमें ज्यादा टाइमिंग नहीं लगती। सबसे ज्यादा टाइमिंग लगती है आपके क्वेश्चंस को चेक करने में कि कौन से क्वेश्चन सही है और कौन से क्वेश्चन गलत है। उन सभी का डेटा जब कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है, उसके बाद आप मशीन से आसानी से OMR सीट चेक कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो अपनी रिवाइज्ड आंसर की थी उसको रिलीज करने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर किया, सभी कैंडिडेट्स द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट देखने की कोशिश की गई। हुआ ऐसा कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट जो थी थोड़ी सी क्रैश हो गई, थोड़ी सी हैंग हो गई, जिसके कारण ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने परीक्षा दी थी वो अपना रिजल्ट वेबसाइट पर नहीं देख पा रहे थे। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जब रिजल्ट डिक्लेयर किया, पहले भी ऐसा हुआ है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जब रिजल्ट डिक्लेयर करती है इस तरह की समस्या आ जाती है कि रिजल्ट शो नहीं होता है। कैंडिडेट्स रिजल्ट देखना चाहते हैं वहां पे वेबसाइट पे तो रिजल्ट प्रॉपर नहीं दिख पाता है। रिजल्ट की जो समस्या थी उसको कुछ समय बाद रिजोल्व कर दिया गया। आप अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बताऊंगा कि आप अपना रिजल्ट आसानी से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर जाना है, allindiabarexamination.com, वहां पर जाना है। वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे, सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन लिंक ऑफ AIB 18। आप जैसे ही उस लिंक पर प्रेस करेंगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। यूजर नेम ईमेल आईडी भी हो सकता है और पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड है वो आपको प्रोवाइड कराना है। इसके रिगार्डिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अपनी वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन कर दिया है कि कैंडिडेट्स को परेशानी ना हो, वो आसानी से अपना रिजल्ट चेक करें। उसके लिए लिंक भी अलग से दे रखा है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ AIB 18 रिजल्ट। आप वहां पे नोटिफिकेशन पे जा सकते हैं, नोटिफिकेशन आसानी से पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या कहा है। देखिए, मैं नोटिफिकेशन थोड़ी पढ़ के बताता हूं। डियर कैंडिडेट्स, वी आर प्लेस्ड टू इन्फॉर्म यू दैट द रिजल्ट ऑफ AIB 18 नाउ अवेलेबल टू डाउनलोड। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो 18 टाइम्स का रिजल्ट है वो अवेलेबल है टू डाउनलोड, आप डाउनलोड कर सकते हैं। टू एक्सेस योर रिजल्ट प्लीज विजिट टू द AIB वेबसाइट। जैसा मैंने बताया, आपको AIB की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन लिंक, जो मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन लिंक का, जो सबसे ऊपर वेबसाइट पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक आ रहा है उस पर जाना है। एंटर द लॉगिन डिटेल्स, जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो आपको प्रोवाइड देनी है। यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएटेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ AIB 18। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, आपने जब अपना AIB 18 का जब रजिस्ट्रेशन कराया था तो उस समय जो आपने अपना जो डिटेल्स दी थी उस समय आपको एक यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड कराए गए थे। वो यूजर नेम पासवर्ड ही आपको अब इस समय फिल करने हैं और आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद क्लिक टू द रिजल्ट बटन, जो वहां पे एक रिजल्ट बटन आ रहा है वहां पे आपको प्रेस करना है टू एक्सेस योर रिजल्ट, और आप अपना रिजल्ट पर एक्सेस हो जाएंगे और आप आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ही बताया था कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जब रिवाइज्ड आंसर की रिलीज की थी, रिवाइज्ड आंसर की में 7 क्वेश्चन डिलीट कर दिए और 5 क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दिए। लोगों में संशय था कि अब जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग परसेंटेज है, वो डाउन हो जाएगी, पासिंग मार्क्स डाउन हो जाएंगे।
उसके रिगार्डिंग मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया था और इस वीडियो में बता रहा हूँ, और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने भी कंफर्मेशन कर दिया है इसके रिगार्डिंग। जो क्वेश्चन डिलीट किए हैं और जो क्वेश्चन के आंसर चेंज किए हैं उसमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अपनी नोटिफिकेशन में कहा है कि वी वुड ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द आफ्टर द विदड्रॉल ऑफ 7 क्वेश्चन। देखिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने 7 क्वेश्चन जो विदड्रॉल किए हैं, द रिजल्ट बेस्ड ऑन 93 क्वेश्चन इंस्टीड ऑफ 100 क्वेश्चन। जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 7 क्वेश्चन जो डिलीट कर दिए, वो क्वेश्चन जो थे 100 नंबर्स में से भी 7 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। अब जो आपकी पासिंग परसेंटेज बननी है वो बननी है 93 नंबर्स पे, क्योंकि 7 क्वेश्चन तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा डिलीट कर दिए गए। कुछ कैंडिडेट्स मेरे कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि भैया अब जो पासिंग परसेंटेज है वो भी डाउन हो जाएगी, क्योंकि पहले अभी 17 में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने पासिंग परसेंटेज 14 रखी थी, अब 45 कर दिए, तो भैया अब पासिंग परसेंटेज 40 हो जाएगी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पासिंग परसेंटेज पे कोई चेंजेस नहीं होगी, पासिंग परसेंटेज 45 है, एज इट इज ही रहेगी। पासिंग परसेंटेज में कोई भी किसी तरीके का बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो आपकी पासिंग परसेंटेज की जो मार्किंग्स हैं, जो 100 नंबर में से कैलकुलेशन हो रही थी, वो कैलकुलेशन अब 93 नंबर में से होगी। ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने नोटिफिकेशन में कहा है, मेरी स्क्रीन पर भी आ रही है, आप आसानी से देख सकते हैं। फॉर द जनरल ओबीसी कैटेगरी द पासिंग मार्क्स इज कैलकुलेटेड एट 45% ऑफ 93 मार्क्स। अब 93 मार्क्स में से 45% निकाले जाएंगे, जितने नंबर्स आ जाएंगे उतने नंबर्स पे कैंडिडेट्स पास होंगे, विच राउंड्स अप 42 मार्क्स। देखिए मैं बता दूं, अगर आप 100 में से 45% निकालेंगे तो 45 नंबर्स पे कैंडिडेट्स पास थे, लेकिन 7 क्वेश्चन डिलीट करने के बाद अब जो कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं वो पास हो रहे हैं 42 मार्क्स पे। यानी अगर किसी कैंडिडेट्स के 42 मार्क्स आए हैं या 42 मार्क्स से ऊपर आए हैं, वो कैंडिडेट्स उसका रिजल्ट पास में डिक्लेयर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर द एससी एसटी एंड डिसेबल कैटेगरी द पासिंग मार्क्स इज कैलकुलेटेड 40% ऑफ 93। अब देखिए एससी एसटी के लिए जैसा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने बताया था कि भैया अब इनके लिए जो पासिंग परसेंटेज या पासिंग मार्क्स है वो 40% है, अब लेकिन कैलकुलेशन होनी है 93 से। अगर 93 से इसकी कैलकुलेशन होगी तो वो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे विच राउंड्स अप टू 37 मार्क्स। यानी अगर किसी कैंडिडेट्स के एससी एसटी या डिसेबल कैंडिडेट्स है, उसके अगर 37 मार्क्स आए हैं या 37 मार्क्स से ऊपर आए हैं, उसका रिजल्ट पास में डिक्लेयर होगा। ये दोबारा समझ लीजिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने इस बार जो पासिंग परसेंटेज है 45 ही है जनरल और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए पासिंग परसेंटेज 40 ही है, लेकिन जो कैलकुलेशन होगी वो 100 नंबर्स में से ना होकर के अब 93 नंबर्स में से होगी, उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स पास होंगे। अब देखिए क्वेश्चन ये आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स का रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स का रिजल्ट ही विदहल्ट आ रहा है, या कुछ कैंडिडेट्स का रिजल्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर अगर आप लॉगिन करते हैं उसके बाद शो ही नहीं कर रहा है। अगर आपका रिजल्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर शो नहीं कर रहा है, रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से संपर्क कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन पे डिटेल्स आ रही हैं, आप इनके थ्रू ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर जाकर या कॉन्टैक्ट नंबर से या ईमेल आईडी से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से आसानी संपर्क कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं भैया हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स का रिजल्ट विदहल्ट हो गया है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जानबूझकर रोक दिया गया है। मैंने पहले वीडियो इसके रिगार्डिंग बनाई थी, मैंने बताया था कि जिन कैंडिडेट्स द्वारा अपनी लॉगिन डिटेल्स जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था, पूरे डॉक्यूमेंट्स फिलअप सबमिट नहीं किए हैं, पूरी डिटेल्स फिलअप नहीं की हैं, कोई समस्या है उनकी, उस समस्या को एग्जाम देने से पहले, रिजल्ट से पहले ही रिजोल्व करना था, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स द्वारा ऐसा नहीं किया गया, उनका रिजल्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने रोक दिया है। इसके रिगार्डिंग भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने नोटिफिकेशन दी है, डियर कैंडिडेट्स हु हैव अपलोडेड देयर डॉक्यूमेंट इंस्टीड ऑफ द एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, देयर रिजल्ट आर विदहल्ड। जिन्होंने अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, उनका रिजल्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने रोक दिया कि भैया आप पहले अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करो, तब हम आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, अन्यथा आपकी स्थिति में आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे। उसके लिए भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने टाइमलाइन दे दिया, दोज कैंडिडेट्स नीड टू सेंड देयर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट टू द ईमेल एड्रेस bci.helpdesk@smartexams.in। मेरी स्क्रीन पे भी ईमेल आईडी आ रही है, आप इस पर अपना जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो अपलोड भेज सकते हैं आसानी से, बिफोर द 10th of April। 10 अप्रैल या 10 अप्रैल से पहले आपको अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भेजना है। अगर आप इसके बाद भेजते हैं उसके रिगार्डिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने कुछ नहीं बताया, तो हो सकता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 10 के बाद अगर आप एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भेजते हैं तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर न करे, लेकिन 10 से पहले या 10 तक भेजते हैं, द रिजल्ट ऑफ सच कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर्ड बाय 15 अप्रैल। अगर 10 तक आप अपना जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को भेज देते हैं, तो उसके बाद 15 तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा।
अब बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग जिनका रिजल्ट फेल में आ गया है, उनको अभी भी ऐसा लगता है कि मैं भाई पास हूं लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा मेरा रिजल्ट फेल में डिक्लेयर कर दिया है, या मुझे ऐसा लगता है कुछ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो अभी मार्किंग जो हुई थी, जो पासिंग परसेंटेज हुई है, या इसमें कोई समस्या है, कोई ना कोई लोचा है? तो देखिए, उनके लिए बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने सभी के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है, इस बार भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगी, पिछली परीक्षाओं में भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए थे। एक रीचेकिंग की एक फैसिलिटी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन प्रोवाइड कराती है, वो रीचेकिंग की फैसिलिटी हो सकता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इस परीक्षा में भी प्रोवाइड कराए। तो इस फैसिलिटी को लेने के लिए आप सभी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आप सभी को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से भरकस प्रयास करने पड़ेंगे, भरकस संपर्क करना पड़ेगा, तभी ऐसी स्थिति में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रीचेकिंग का पोर्टल लॉन्च करेगी। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIV 17 में भी रीचेकिंग का पोर्टल लॉन्च किया था। रीचेकिंग का पोर्टल लॉन्च करने के बाद कुछ कैंडिडेट जिनको अपने आप पे भरोसा था, जिनको पता था कि भैया मैं फेल नहीं हूं, लेकिन फिर भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने रिजल्ट में फेल कर दिया गया हूं, उन्होंने अपनी कॉपी रीचेक कराई दोबारा, और उसमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा में वही कैंडिडेट्स पास हो गए। तो दोस्तों परेशान ना हो, जिनका रिजल्ट फेल में आया उनको लगता है कि मैं पास हो सकता हूं, तो वह भी रीचेकिंग का एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, एक ब्रह्मास्त्र आपके पास अवेलेबल है, आप आसानी से उसके थ्रू पास हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।